मुरादाबाद के गोविंदपुर खुर्द में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो बाइक सवार बदमाशों ने सुनार से तमंचे के बल पर जेवरात और नकदी लूट ली और फरार हो गए। उधर पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 71 वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज भी किसानों की स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा। सिद्धार्थनगर जनपद जिला जेल के सामने धरना ग्राउंड पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष इस्ताद अहमद ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बस्ती मंडल से लेकर प्रदेश और देश के सैकड़ों किसान और किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। इस महापंचायत का उद्देश्य राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश को लागू किया जाना था। जहाँ एक तरफ आगामी लोकसभा चुनाव करीब है, वहीं मौजूदा सरकार के प्रति किसानों का गुस्सा देखने को सामने आ रहा है। किसान सरकार के वादों को झूठा ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि अब तक किसान से किए गए किसी भी वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है, जिससे किसान गुस्से में है। वहीं बीते दिनों जब किसान प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे थे, तब पुलिस बल द्वारा उन पर आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें की गई, बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई और प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, जिस पर किसान और भी गुस्से में आ गए। इसके चलते रामपुर में किसानों ने अपने ही गांव में रहकर सरकार के हर नेता के प्रति मोर्चा खोल दिया है और उनका कहना है कि मोदी जी ने उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया तो वह भी अपने गांव में बीजेपी सरकार के नेता को नहीं आने देंगे। वही चेतावनी के बैनर लगाकर विरोध जाहिर किया। सिद्धार्थनगर में दबंगों की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि जिले की आम जनता का रहना दूभर हो गया है। मामला सिद्धार्थनगर के बासी के कदमवा का है, जहाँ पर एक असहाय गर्भवती महिला से छेड़छाड़ और फिर पिटाई की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यह घटना 19 अक्टूबर के दुर्गा विसर्जन के बाद की है। महिला के अनुसार वह मूर्ति विसर्जन के बाद घर लौट रही थी कि अचानक रास्ते में काली मंदिर के पास अकेला पाकर गांव का दबंग और उसके साथियों ने उसके साथ छेड़खानी की। महिला के विरोध करने पर उन दबंगों ने महिला को मारना पीटना शुरू कर दिया। महिला को मार खाते देख गांव के ही लोग उसे बचाने के लिए आते हैं, पर दबंग उनके साथ भी लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर लेते हैं। मामला आगे बढ़ा तो डाल सो की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन इन दबंगों की दबंगई के सामने पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। इस मामले का पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी है। यूपी पुलिस के दामन पर एक बार फिर दाग लगा है। मेरठ जिले में एक सिपाही की वजह से खाकी एक बार फिर शर्मसार हो गई है। आरोप है कि सिपाही ने प्रेम जाल में फंसाकर बीएड की एक छात्रा से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर सिपाही ने शादी का वादा कर छात्रा और परिजनों को राजी कर लिया। इस बीच सिपाही की शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पास से मिले सुसाइड नोट में सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतक छात्रा की मां ने आरोपी सिपाही और उसके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एएसओ मेडिकल सतीश कुमार ने बताया कि एक बैंक कर्मी की बेटी शहर के इंस्टीट्यूट से बीएड कर रही थी। गुरुवार सुबह छात्रा का शव पंखे से लटका मिला। छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जागृति विहार निवासी दामोदर दुबे ने उसको प्रेम जाल में फंसाकर 2 साल पहले उससे दुष्कर्म किया था। दामोदर यूपी पुलिस में सिपाही है और वह संभल में तैनात है। दुष्कर्म की बात छात्रा ने अपने परिजनों को भी बताई थी, जिसके बाद बखेड़ा भी खड़ा हुआ था। इसके बाद सिपाही ने छात्रा से शादी की बात कर मामले को मैनेज कर लिया था। आरोप यह है कि शादी की बात कर सिपाही 2 साल तक उसे दुष्कर्म करता रहा, लेकिन इसके बाद सिपाही का रिश्ता किसी और लड़की से तय हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी छात्रा को लगी तो उसने आत्महत्या कर ली। छात्रा ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार सिपाही दामोदर दुबे और उसके परिवार वालों को ठहराया है। एक तरफ तो यूपी की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें कर रही है और महिलाओं को सशक्त बनाने का दावा कर रही है, लेकिन उधर कानून से बेखौफ अपराधियों को न तो पुलिस का डर है और न ही किसी कानून का। वो बस आपराधिक वारदातों को बेखौफ होकर अंजाम देने में जुटे रहते हैं। जी हाँ, एक बार फिर पुलिस और कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए प्रदेश के ही मेरठ में एक महिला को टीवी सीरियल में काम दिलाने के नाम पर हवस का शिकार बनाया गया। बता दें कि महिला ने यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि लगातार प्रदेश में एनकाउंटर कर बदमाशों को ठिकाने लगाने वाले खाकी पर लगाए हैं, जिसे एक बार फिर खाकी शर्मसार होती हुई नजर आ रही है और सवालों के घेरे में आ गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई।
जहां एसएसपी ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने का पूरा आश्वासन दिया है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जिले की पुलिस पीड़िता को न्याय का भरोसा दे रही है, लेकिन जिस तरह से खाकी पर दाग लगा है उससे कहीं न कहीं पुलिस की साख पर पट्टा जरूर लगा है। करौली जिले के टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सबसे मजबूत महिला प्रत्याशी कल्पना शराकर झालावाड़ और कोटा के 56 भोग परिसर में आयोजित प्रदेश महिला कांग्रेस सम्मेलन में पहुंची। मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कांग्रेस गरीब मजदूर और महिलाओं की आवाज बनकर जनता के सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 40% भागीदारी महिलाओं की होने की बात कही है, जिससे मीणा काफी खुश और संतुष्ट है। गौरतलब है कि विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट की दावेदारी जता रही कल्पना शराकर प्रदेश में होने वाली सभी जनसभाएं, रैलियां और रोड शो में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इस बार टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस महिला को अपना उम्मीदवार बनाती है तो यह महिला सशक्तिकरण एवं नारी सम्मान की एक अनूठी पहल होगी। मीना की स्थिति विधानसभा क्षेत्र में काफी मजबूत नजर आ रही है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के 106वें वार्षिक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरुकुल के प्रधान कुलवंत सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जहांगीराबाद नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर्स की बढ़ती लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों से जब इस बारे में बात की गई तो डॉक्टर्स के प्रति कई मामले सामने आए। बता दें कि अधीक्षक समेत कई डॉक्टर्स केंद्र पर अनुपस्थित मिले। डॉक्टर शाइन करके केंद्र से नदारद रहते हैं, जिसके कारण मरीज धक्के खाते फिरते हैं। केंद्र पर ओपीडी कक्ष में केवल एक ही डॉक्टर सैकड़ों मरीजों को देखते हुए पाए गए। मरीजों की लंबी लाइन सुबह से ही लगनी शुरू हो गई। अस्पताल का समय लगभग 4 घंटे का रहता है, लेकिन उसमें भी डॉक्टर्स अपनी मनमानी के आगे मरीजों के प्रति लापरवाही बरतते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के मद्देनजर बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक पन्ना के आदेश के बाद पुलिस लगातार अपराधियों पर भारी पड़ रही है। एक बार फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और चेकिंग के दौरान फरार आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आष्टा के लोकायुक्त की टीम ने नगरपालिका आष्टा के अकाउंटेंट अनिरुद्ध को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार आष्टा नगरपालिका में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ अनिरुद्ध को आज लोकायुक्त की टीम ने 25,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। हिंडौन सिटी के खरेटा रोड स्थित हनुमान जी बैतवाड़ा क्षेत्र से गोवर्धन के लिए 9वीं पदयात्रा आज रवाना हुई। आपको बता दें कि पदयात्रा श्री श्री 1008 श्री हरिद्रानंद जी ध्रुव घटा वाले महाराज ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिनेश सैनी ने बताया कि पदयात्रा 30 अक्टूबर को श्री गोवर्धन धाम में भंडारा आयोजित कर वापस रवाना होगी, जिसमें आसपास के गांवों से सभी समाज के लोगों ने भाग लिया। यूपी में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। जी हाँ, जिसका जीता जागता उदाहरण तब देखने को मिला जब देवरिया जनपद के भगवानपुर तिवारी गांव में, जहां दबंगों ने एक व्यक्ति को बंधक बनाकर पहले निर्माणाधीन मकान को गिरा दिया और उससे भी मन नहीं भरा तो झोपड़ी में आग लगा दी। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने 100 नंबर पर फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को आजाद कराया। आपको बता दें कि जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र का भगवानपुर तिवारी गांव में, जहां पुरानी जमीनी रंजिश में पीड़ित जितेंद्र तिवारी के निर्माणाधीन मकान को पहले तो दबंगों ने तोड़ दिया, उसके बाद पीड़ित के हाथ पांव बांधकर उसे फेंक दिया। दबंगों का जब इसमें भी मन नहीं भरा तो उसने पीड़ित जितेंद्र के झोपड़ी में ही आग लगा दी। वही घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जितेंद्र को आजाद कराया। अब पीड़ित न्याय की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वही इस मामले पर पुलिस अधीक्षक का कहना था कि जितेंद्र तिवारी का उनके गांव के लोगों से विवाद था, जिसमें उन लोगों ने बंधक बनाकर मारा है। पुलिस वहां गई और उन्हें आजाद कराया गया। वहीं इस बात की शिकायत भी है कि थाने में मुकदमा नहीं लिखा गया, न ही कोई कार्यवाही की गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में एक व्यक्ति जिसे बंधक बनाकर मारने को फेंक दिया गया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे आजाद भी कराया, ऐसे में उस पीड़ित के निर्माणाधीन मकान को दबंगों द्वारा तोड़ने और झोपड़ी में आग लगाने के बाद भी पुलिस अब तक मौन क्यों है?
क्या जनपद में पुलिसिया इस्तेकबाल खत्म हो चुका है? क्या पुलिस के आगे दबंग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं?